जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सुहेल और आप देख रहे हैं सुपर क्रिकेट। तो दोस्तों, आईपीएल 2023 में चेन्नई सुपर किंग का अगला मुकाबला जो कि है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के खिलाफ। यहाँ दोस्तों बता दें कि यह आईपीएल 2023 का सबसे बड़ा मुकाबला होने वाला है चेन्नई सुपर किंग बनाम रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच में। ऐसे में चेन्नई सुपर किंग के चार सबसे खतरनाक खिलाड़ी जो करने वाले हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का शिकार। यहाँ दोस्तों वह नंबर एक खिलाड़ी का बात करें तो वह है रविंद्र जडेजा। बता दें कि रविंद्र जडेजा ना सिर्फ बल्लेबाजी जबकि शानदार गेंदबाजी करने का भी क्षमता रखते हैं, और रविंद्र जडेजा का अभी करंट फॉर्म की बात करें तो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे। ऐसे में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु पर भारी पड़ने वाले हैं रविंद्र जडेजा। वहीं दूसरे खिलाड़ी का बात करें तो दोस्तों वह है ऋतुराज गायकवाड़। जी दोस्तों बता दें कि ऋतुराज गायकवाड़ अभी बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं, और ऋतुराज गायकवाड़ जो कि अपने ओपनिंग करने आते हैं और शानदार बल्लेबाजी करते हैं और फिर से चेन्नई सुपर किंग की तरफ से रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु खिलाफ रन बरसाते हुए नजर आने वाले हैं ऋतुराज गायकवाड़। वहीं बात करें तीसरे खिलाड़ी का तो दोस्तों वह खिलाड़ी है एम एस धोनी। जी दोस्तों बता दें कि भले ही एम एस धोनी बेहद नीचे बैटिंग करने आते हैं लेकिन नीचे ही कमाल का बल्लेबाजी करते हैं और इम्पैक्टफुल इनिंग खेलकर जाते हैं। इसके अलावा विकेट के पीछे से भी पूरा टीम को चलाते हैं, इसलिए एम एस धोनी सबसे अहम खिलाड़ियों में से एक रहने वाले हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु खिलाफ। वहीं दोस्तों बात करें चौथे खिलाड़ी का तो वह है अजिंक्य रहाणे। जी दोस्तों बता दें अजिंक्य रहाणे का अभी करंट फॉर्म बेहतरीन है, दो मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किए। ऐसे में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु खिलाफ भी धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले हैं अजिंक्य रहाणे। तो दोस्तों यह चार ऐसे खिलाड़ी है जो कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का शिकार करने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है चेन्नई सुपर किंग कैसा रहेगा प्रदर्शन आरसीबी के खिलाफ, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं दोस्तों यह खबर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तब तक ले मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।